मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नगर नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों आप जानते हैं गोवा राज्य की राजधानी है पणजी, और जिस पणजी आखिर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको 3 सेकंड का टाइम दिया था, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप देख रहे होंगे गोवा का इमेज है, ये आपकी नदी है, ये भाई कौन सी नदी है आखिर? ठीक है तो बच्चा, ये जो नदी है आपकी, ये आपकी नदी है, बिल्कुल सही आंसर है। राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा जो गोवा राज्य की राजधानी पणजी है, पणजी बेसिकली ये आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मांडवी नदी है आपकी, जो आप नदी देख रहे हैं मांडवी नदी है। ठीक है भाई, जहाँ पर जहाज चल रहे हैं मांडवी नदी है आपका। ठीक है, ऑप्शन अभी आपका मांडवी राइट आंसर हो जाएगा। अगर गोवा की दोस्तों हम समुद्र की बच्चा बात करें तो गोवा में जो समुद्र है दोस्तों, जो समुद्र है, समुद्र आपका यहाँ पर अरब सागर है, अरब सागर है यहाँ पर समुद्र है, अरब सागर निकला है यहाँ से। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जैसा कि आप हर बच्चा जानता है दोस्तों, ताजमहल जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ताजमहल जो कि आगरा में स्थित है, जिसने शाहजहां ने इसको बनवाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है, जो कि दोस्तों आपका ये आपका लाल किला है आगरा का, ये ताजमहल है। ठीक है, ये जो आगरा है आपका, आगरा बेसिकली आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यमुना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों अगर जमशेदपुर की बात करें, जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों आप देख रहे होंगे बहुत ही शानदार, नासिक में आपका हर साल मतलब कुंभ मेला लगता है। दोस्तों कुंभ मेला आपका चार राज्यों में लगता है, चार जगह आपका कुंभ मेला लगता है। एक नासिक हुआ, एक आपका हरिद्वार हुआ, एक आपका बेसिकली प्रयागराज, और एक आपका है उज्जैन। इन चार जगहों पर कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों एक नदी है, आके कौन सी नदी के तट पर नासिक स्थित है? ठीक है, नासिक का इमेज है तो दोस्तों नासिक में आपकी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी के तट पर आपका नासिक स्थित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों एक कावेरी नदी है, आप देख रहे होंगे ये इमेज कावेरी नदी, तो आप मंदिर से भी आप अनुमान लगा रहे होंगे मंदिर भाई ये सब साउथ के मंदिर हैं, साउथ के मंदिर दोस्तों इतने भव्य होते हैं। ठीक है, तो यार राइट आंसर हो जाएगा तिरुचिरापल्ली। ठीक है, आपका कावेरी नदी के तट पर स्थित तिरुचिरापल्ली है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका NIT भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस नदी के किनारे बहती है? जो साबरमती नदी आखिर कौन से शहर के किनारे बहती है? जो साबरमती नदी आखिर किस शहर के किनारे बहती है? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, राइट आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद। दोस्तों आपका गुजरात में अहमदाबाद ये आता है, अहमदाबाद ये है, यहाँ पर आपकी साबरमती नदी बहती है। ठीक है, अहमदाबाद में दोस्तों साबरमती आश्रम भी जो कि गांधी जी ने बनवाया था। चलिए सेवेंथ वाला क्वेश्चन, भारत में गरम दलिए आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में जो गरम दलिए आंदोलन का पिता हम लोग कहते हैं दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। इनका जो आप लोकमान बाल गंगाधर तिलक की इमेज देख सकते हैं, इस प्रकार से दिखते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इन्हें हम लोग गरम दलिए आंदोलन का पिता कहते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे? ठीक है, आखिर इनमें से कौन सा भारतीय था जो कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बने थे? दोस्तों आप फोटो देख रहे होंगे, फोटो में बताइए आखिर ये किसकी पिक है? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों हमारी पेड PDF लेने के लिए आप हमारे इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। दोस्तों हमारी PDF है जो कि बहुत ही शानदार है, जो कि जिसमें टॉप 1000 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं चैप्टर वाइज, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों इसी टाइप के चैप्टर वाइज क्वेश्चन की आपकी PDF मिलेगी। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों इस इमेज में देख सकते हैं आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, जिनका नाम है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये आपके स्वतंत्रता सेनानी थे और समाज सुधारक थे, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को आके किस नदी से जल मिलता है? तो इंदिरा गांधी दोस्तों जो नहर है इसको जो जल मिलता है वो आपका सतलज नदी से जल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सतलज राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी नहर है इसका निर्माण दोस्तों आपका 31/3/1958 को गृहमंत्री गोविंद पल्लव पंत ने करवाया था। ये आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सब कुछ पहुँच करके आप देख सकते हैं, इसके बारे में जो जो चीज़ें आपको विशेषताएं वो आप सब देख सकते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो कि दोस्तों आपकी इंदिरा गांधी नहर है, ये आपकी भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका सारण। सारण सिंचाई नहर निकलती है। दोस्तों जो सारण सिंचाई नहर है तो आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी सिंचाई नहर है सारण, ये आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी जो निकलती है ये आपकी गंडक नदी से निकलती है। ठीक है, गंडक नदी से आपकी निकलती है, ऑप्शन नंबर डी आपका गंडक राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी है साथियों, यहीं से आपकी जो सारण जो सिंचाई नहर है यहाँ से निकलती है। ठीक है, नहर का पानी दोस्तों खेती वगैरह में काम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है। त्रिवेणी जो नहर है उसमें आके कौन सी नदी से पानी आता है, जो त्रिवेणी जो दोस्तों नहर है ना, नहर दोस्तों सब खेती वगैरह में प्रयोग करते हैं, नहर का काम आता है, नहर का जो पानी खेती वगैरह में जाता है। जो त्रिवेणी नहर दोस्तों किस नदी से पानी, इसमें किस नदी से पानी आता है, तो इसमें गंडक नदी से पानी आता है। दोस्तों ये फोटो में आप देख रहे होंगे गंडक नदी के, गंडक नदी है, ठीक है, कितनी स्वच्छ नदी है, गंडक नदी है, तो गंडक नदी है दोस्तों त्रिवेणी नहर में पानी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 14th वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। दोस्तों अगर हम गोरखपुर की बात करें तो ये गोरखपुर है, और गोरखपुर के मतलब गोरखपुर के पास मतलब तट पर कौन सी नदी स्थित है, गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ये नदी या आके कौन सी नदी है। दोस्तों ये नदी है जो आपकी बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राप्ती। राप्ती नदी के तट पर दोस्तों गोरखपुर स्थित है, गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर आपका यूपी में आता है, यहाँ पर गोरखनाथ का मंदिर है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। आखिर इनमें से कौन सा शहर है जो कि दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो दोस्तों गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है, बिल्कुल सही आंसर राइट आंसर, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका दोस्तों गंगा नदी के तट पर आपका स्थित नहीं है, बिल्कुल सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली। दिल्ली में दोस्तों आपकी यमुना जी है ना कि गंगा जी है यहाँ पर। ठीक है, कानपुर पटना वाराणसी यहाँ पर सब गंगा जी हैं, और जबकि दिल्ली में आपका गंगा नदी नहीं है, दिल्ली में यमुना नदी है। गंगा नदी की अगर बात करें दोस्तों गंगा नदी किनारे बसे शहर, ट्रिक से आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ऋषि हरिद्वार बैठा राख लगाए कानों में, ये ट्रिक है। ठीक है, और दोस्तों देखिए आप ऋषिकेश, गंगा ऋषिकेश में गंगा नदी है, हरिद्वार में गंगा नदी है, फरुखाबाद गंगा, कन्नौज बिठूर कानपुर फतेहाबाद इलाहाबाद मिर्जापुर वाराणसी गाजीपुर बक्सर बलिया पटना बरौनी बेगूसराय मुंगेर भागलपुर साहिबगंज, इन सब जगहों पर दोस्तों गंगा नदी है। आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, सर स्क्रीनशॉट भी आप कैप्चर कर सकते हैं, बाकी उसका पीडीएफ भी मैं गूगल प्लस की ऑफिशियल ऐप पर डाल दूंगा, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इन जगहों पर सब गंगा नदी है। ठीक है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों अगर हम भारतीय शिखर की बात करें तो केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय दूसरे नंबर पर सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से बताइए, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल सही। दोस्तों अगर पर्वत शिखर की बात करें तो देखो इस प्रकार दोस्तों केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जिसकी लंबाई 8611 मीटर है, फिर इसके बाद आपका आता है कंचनजंगा जिसकी जो लंबाई साथियों इसकी लंबाई आपकी कितना 8586 किलोमीटर है। ठीक है, और फिर आपका 8126 मीटर की दूरी पर 8026 मीटर इसकी लेंथ है जो कि नंगा पर्वत है जो कि उत्तराखंड में, फिर आपका 6080 मीटर में आता है बेसिकली गासरवरम, फिर आपका ब्रॉडफिक, ये सब आपकी फिर आती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं नंदा देवी आपका 7616 मीटर है जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आपकी चीज़ें होती हैं और ये सब आपके पर्वत की रेंज है। ठीक है, नंगा पर्वत दोस्तों आपका ये है जम्मू कश्मीर वाले इलाके पर है, आपका नंगा पर्वत है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों नंगा पर्वत का हम नंदा पर देवी की बात करें, नंदा देवी पर्वत आपका उत्तराखंड वाले रीजन में है, हिमालय की रेंज है सब। ठीक है, केटू आपका दोस्तों ये है। ठीक है, और जो आपका कंचनजंगा दोस्तों सिक्किम में आपका कंचनजंगा है जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि जिसकी लंबाई 8578 मीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंचनजंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी ल्यूसेंट जीके की टॉप 1000 चैप्टर वाइज प्रश्न की ई बुक नहीं ली है तो साथियों मैं आपको सजेस्ट करूंगा बड़े भाई की तरह कि दोस्तों इस ई बुक को आप ले लीजिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक, जैसे क्लास में आपको कंटेंट फोटो के पिक्चर के फॉर्मेट में कराता हूँ वैसे ही दोस्तों इस ई बुक में सेम वही कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस ई बुक में आपको सारा कंटेंट चैप्टर वाइज मिलेगा। चैप्टर वाइज दोस्तों मतलब आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली रूप में मिलेगा, एंशियंट फिर मेडिवल फिर मॉडर्न, मतलब आपको जैसे आपके टेक्स्ट बुक में रहता है वैसी कंटेंट, और सारे सब में फोटो मिलेगी, लगभग 1000 फोटो आपको इसमें सब में मिलेंगी। ठीक है, 10 वर्षों में दोस्तों सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाले प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बस वही क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो जीके का मास्टर पीडीएफ आप लोग दोस्तों जरूर लीजिएगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, ऑफर चला जो कि मिनिमम शुल्क में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस ईबुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों मैं
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, किसी प्रकार का डाउट हो ना इस नंबर से भी आप संपर्क कर लेना, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर जिसमें जीके आता हो, तो उन सब के लिए दोस्तों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी ई बुक से मिलेंगे। पिक्चर दोस्तों हमें चीज़ें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है, जैसे मैं केरला का कोई आंसर रहेगा तो मैं प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से मैंने मैप के माध्यम से समझाया, ताकि आपको दोस्तों एक साथ पाँच क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना। मैप से दोस्तों हमें माइंड मैप से हमेशा चीज़ें याद रहती हैं, हम कभी नहीं भूलते हैं। तो इस ई बुक को आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा। दोस्तों 17 वाला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। हिमालय के दोस्तों सर्वोच्च शिखर है जो कि माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की दोस्तों ऊंचाई आखिर कितनी है। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है जो कि आपका बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा, 8848 मीटर ऊँचा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों गुरु शिखर जो चोटी है ये बेसिकली अरावली पर्वत श्रेणी का पार्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर चोटी। ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी धूपगढ़ है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी डोडाबेटा है। ठीक है भाई, डोडाबेटा है, और गुरु शिखर दोस्तों ये सबसे ऊंची चोटी है जो कि आपकी राजस्थान में है, राजस्थान में माउंट आबू में है, ऑप्शन नंबर राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी आपका दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर जो कि आपकी माउंट आबू में है। माउंट आबू दोस्तों उदयपुर से लगभग 210 किलोमीटर के आसपास आपका स्थित है, वहाँ पर आपको सनसेट भी बहुत शानदार दिखता है क्योंकि सबसे ऊँचाई पर है। ठीक है, तो सनसेट भी वहाँ पर बहुत शानदार वहाँ का फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका ये है, देखो नंदा देवी, जिसकी लंबा जो जिसकी ऊंचाई है 7816 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत जो कि आपका 7816 मीटर ऊंचा है, और ये आपका उत्तराखंड में आता है, ये है आपका नंदा देवी। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं ये भारत के सब हैं। ठीक है, भारत के सबसे ऊँचे पर्वत शिखर हैं और ये आपका उत्तराखंड में है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका है। चलिए जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। जो जवाहर सुरंग नाम है आखिर कौन से प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है बताओ। दोस्तों जवाहर सुरंग है ये, देखिए अगर हम दोस्तों आपकी जवाहर सुरंग की बात करें बताओ, फटाफट से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट से बताइए। दोस्तों देखिए जो जवाहर सुरंग है ये बेसिकली आपका जो नाम दिया गया है ये आपका बनिहाल दर्रे को दिया गया जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये है बनिहाल दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर दोस्तों आपके पांच दर्रे स्थित हैं, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल और काराकोरम, बनिहाल और बोजिला दर्रा, ये सब आपके पांच जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। और ठीक है, ये सब आपके दर्रे आप याद कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश आपके तीन दर्रे हैं, उत्तराखंड में आपके तीन हैं, नीति माना लिफुलेख। ठीक है, और नाथला दर्रा आपका सिक्किम में, और जेलेफला सिक्किम में, तुलजू दर्रा ये आपका मणिपुर में, और तीन आपके यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बोमडेला दर्रा और यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये आपके तीन दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। दर्रा दोस्तों बेसिकली मतलब बीच का रास्ता होता है, ठीक है, इसको हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, और ये सब आपका दोस्तों जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बोजिला दर्रा, ठीक है, पर्वत के बीच का रास्ता को हम दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा जवाहर सुरंग, बेसिकली जो पर्वतीय दर्रे बनिहाल दर्रा को नाम दिया गया जवाहर सुरंग, ऑप्शन नंबर सी बनिहाल दर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, जो कि जम्मू कश्मीर दोस्तों है ये। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, चावल आपका सबसे ज़्यादा भाई कहाँ होता है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, फटाफट से दीजिए भाई। दोस्तों अगर हम चावल की बात करें, चावल सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका ये, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल कहीं है, कहाँ है भाई, वेस्ट बंगाल आपका दोस्तों ये है। ठीक है, यहाँ पर चावल सबसे ज़्यादा आपका होता है। चलिए यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में बंगाली खाड़ी है, यहाँ सब आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये सब आपकी अरब सागर के पार्ट है। चलिए भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी भाई, सबसे ज़्यादा खाने वाला भाई, आप दोस्तों पिक में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा खाने वाला आप चावल का, सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है चावल, और क्योंकि दोस्तों आप साउथ तरफ जाएंगे, साउथ में चावल सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं, मछली चावल वहाँ का प्रमुख डिश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल होता है, और ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खाद्य जो फसल है वो आपकी चावल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है आपका। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में खाने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है बताइए। ठीक है, तो
बताइए भाई। खैर मैंने इसका आंसर तो आपको बता ही दिया, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आपका ताजमहल का इफेक्ट है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये नक्शा उत्तर प्रदेश का है, देख सकते हैं आप, ऐसा नक्शा होता है कुछ उत्तर प्रदेश का, बीचों बीच उत्तर प्रदेश, ठीक है। और राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों 24 वाला क्वेश्चन आपका, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है, तो वो आपकी धान की खेती है। धान की खेती ये होती है, देख सकते हैं आप। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, राइट आंसर है आपका। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, दोस्तों भारत के सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने आपके कहाँ पर होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी आपका ए है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने होते हैं, ठीक है भाई। तो साथियों उत्तर प्रदेश को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा गन्ने होते हैं, ठीक है, आसपास के इलाके में वहाँ पर गन्ने होते हैं। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, दोस्तों पिंक रेवोल्यूशन है बेसिकली जो गुलाबी क्रांति, ये आपकी झींगा से संबंधित है, झींगा उत्पादन से संबंधित है। अगर रजत क्रांति की बात करें तो अंडा से संबंधित है, नीली क्रांति आपकी मत्स्य से संबंधित है, और श्वेत क्रांति आपकी दूध से संबंधित है, हरित क्रांति आपकी खाद्यान्न से संबंधित है, हरी चीजों सब्जियों से संबंधित है, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक से संबंधित है, बीजों से संबंधित है। बाकी दोस्तों गृह क्रांति, गंगा क्रांति, गोल क्रांति, अमृत क्रांति, काली क्रांति और सूर्योदय क्रांति किस किस से संबंधित, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन में भी झींगा उत्पादन हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, राउंड रेवोल्यूशन आप देख सकते हैं दोस्तों पिक में, और पिक में ये आप आलू दिख रहे हैं, तो आलू मतलब गोल हैं, गोल आपके आलू होते हैं, और जो कि गोल यानी कि राउंड रेवोल्यूशन आपके आलू से संबंधित है, आलू उत्पादन से संबंधित है आपका, ठीक है, ये क्रांति। चलिए ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में दोस्तों आपकी कॉफ़ी होती है, देख रहे होंगे दोस्तों कर्नाटक आपका इतना बड़ा है, यहाँ पर कॉफ़ी होती है, ठीक है, कर्नाटक में आपकी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है, लगभग 75% कॉफ़ी आपकी कर्नाटक में होती है, फिर आपकी दोस्तों केरला में होती है 25% के आसपास, केरला में होती है, फिर तमिलनाडु, इन जगहों पर सब जगह आपकी कॉफ़ी होती है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं, या किन में से खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, दोस्तों धान यानी चावल की फसल होती है, इनमें से खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले खरीफ की फसल की बात करते हैं, खरीफ की फसलें दोस्तों होती हैं धान यानी चावल की फसल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, ये सब आपकी दोस्तों खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती हैं, रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती हैं। दोस्तों अगर ऑप्शन के अनुसार बात करें तो खरीफ की फसल में से आपकी कौन सी नहीं है, तो राइट आंसर बिल्कुल सही, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ दोस्तों आपकी रबी की फसल में आते हैं, ना कि खरीफ की फसल में गेहूँ आता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए, आपका राइट आंसर है। चलिए 30 वाला क्वेश्चन देखिए भाई, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है, ठीक है, आखिर उनमें से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक राज्य, काजू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। बच्चे ये फोटो देख सकते हैं, इसमें पेड़ है जो कि काजू का पेड़ है, ठीक है, जिसमें काजू के पेड़ हैं, इस प्रकार काजू आपका होता है, सब काजू के पेड़ हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों काजू आपका कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा काजू आपके केरला में ही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका केरला राइट आंसर है, ठीक है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है, तो ये जो इतिहासकार थे इसका नाम था दोस्तों अबुल फजल, अबुल कलाम फजल ने जो कहा है, जो अबुल कलाम फजल द्वारा जो लिखी गई किताब जो कि आयन अकबरी है, जो कि अबुल फजल ने लिखी है, इसमें बेसिकली अबुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है, ठीक है। अबुल फजल की आप फोटो देख सकते हैं, इस प्रकार से अबुल फजल लगते थे, और इन्हीं ने किताब लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है आयन अकबरी किताब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। चलिए अमरकोट या उमरकोट के राजा 20 साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था, आखिर कौन से मुगल बादशाह का जन्म इस महल में हुआ जो कि अमरकोट का ये महल है, ठीक है, अमरकोट के राजा जो कि राजा 20 साल हैं उनका महल है, और इसमें किसका जन्म हुआ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा, अकबर का जन्म इसी महल में हुआ था। चलिए हमीदा बानो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम आखिर कौन थी, तो आप पिक देख रहे होंगे, पिक से आपको दोस्तों याद आ गया होगा कि किसकी मम्मी थी, ठीक है, तो आपने जोधा अकबर तो देखा ही होगा सीरियल में, तो हर बच्चे को याद आ गया होगा हमीदा बानो बेगम आखिर कौन थी। दोस्तों इसलिए मैं पिक के माध्यम से आपको चीज़ें करा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, आपने अगर सीरियल में भी चीज़ें देखी तो आपको याद रहे हमेशा। दोस्तों जो हमीदा बानो बेगम था इनका नाम क्या था, मरियम मकानी इनका नाम था, और जो कि दोस्तों आपकी अकबर की मम्मी थी, अकबर की माता का नाम था, और सीरियल में भी अकबर की मम्मी थी, देख लिया होगा आपने, ठीक है।
निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में से अधिक होती है? आखिर किन फसलों में से, आखिर उन इन ऑप्शन के अनुसार इन फसलों में से कौन सी फसल है जो कि भारत में संसार के सभी देशों में सबसे अधिक होती है, कौन सी मतलब सबसे ज़्यादा टॉप पे भारत में होती है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे गर्मियों में, जब गर्मी आती है तो हम गन्ने का जूस पीते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। दोस्तों गन्ना सबसे ज़्यादा भारत में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी में, और गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है भाई, है ना। गन्ने से ही शक्कर बनाई जाती है ना, गुड़ वगैरह सब गन्ने से ही बनाया जाता है। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक करता है? तो वो देश है आपका, बिल्कुल सही राइट आंसर। दोस्तों देखिए गेहूं की खेती इस प्रकार होती है, देख सकते हैं आप गेहूं की खेती किस इस प्रकार होती है, गेहूं आपकी रबी फसल में आता है, ठीक है, इस प्रकार से गेहूं होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप निकलते होंगे, जो किसान नहीं है और उनने देखा होगा इस प्रकार की खेती गेहूं की होती है, किसान है वो तो खैर उनका तो रोज का काम है। तो दोस्तों गेहूं का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा गेहूं आपका चीन में, चाइना में होता है, चीन में होता है, ऑप्शन में भी चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? ठीक है, विश्व में आम और केला उत्पादन में आखिर सबसे टॉप पर कौन सा देश है? दोस्तों अगर हम बात करें आम और केला की, तो आम और केला सबसे ज़्यादा विश्व की कंपेरिजन बात करें सबसे टॉप पर भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं, और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके केला और आम, केला सबसे ज़्यादा और आम आपके सबसे ज़्यादा वहाँ पर होते हैं केला तरफ होते हैं, केरला मतलब वही केला ही केला सबसे ज़्यादा होते हैं, आम तो क्या और भी स्टेट में होते हैं, और केला सबसे ज़्यादा आपके केरला तरफ मिलेंगे, आपको केरला में केला होते हैं, और आपके तमिलनाडु जो आसपास जगह सटे हुए हैं केरला से वहाँ पर सबसे ज़्यादा केरला होते हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी वगैरह वहाँ पर पानी बहुत अच्छी तरीके से गिरता है, तो केले की फसल वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से होती है, जो भी घीली फसल होती है वो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होती है, केला हुआ, नारियल हुआ, ये सब आपके केरला तरफ में, केरला में बहुत होती है क्योंकि समुद्र है और मालाबार तट से आपका मानसून बनता है, ठीक है। तो इस वजह से केरला में आपका जो घीली फसल है बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन में भी आपका भारत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तंबाकू उत्पादन में दोस्तों भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों आप तंबाकू का पेड़ देख रहे होंगे इस प्रकार से, दोस्तों तंबाकू के पेड़ होते हैं जो कि पूरे भारत को बर्बाद किए हुए हैं, ठीक है। तो तंबाकू उत्पादन में दोस्तों भारत का आखिर कौन से नंबर भारत आता है, इंडिया अपने कौन से नंबर पर आता है? दोस्तों तंबाकू के लिए तीसरे नंबर पर आपका आता है भारत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका तंबाकू दिखता है, तंबाकू का पेड़ है ये, ठीक है। सिक्कों के दसवें गुरु कौन थे? सिक्कों के दसवें गुरु भाई गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो कि सिक्कों के दसवें गुरु थे और सिक्कों के अंतिम गुरु भी थे। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की पिक है, ठीक है। और इन्होंने दोस्तों बहुत ही शानदार बात कही थी, अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे, अज्ञानी व्यक्ति पूरी तरह से अंधा होता है और गहनों के मूल्य की सराहना नहीं करता बल्कि सिर्फ उसके चकाचौंध की तारीफ करता है। कितनी अच्छी बात बोली, आप प्रेजेंट में दोस्तों ज़्यादा से जिए, ना कि फ्यूचर को सोचिए, ना कि पास्ट की वो सोचिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट में फोकस करना है तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। पास्ट की गलतियों से सीखकर प्रेजेंट पर फोकस करो बहुत तरीके से, अच्छे से तरीके से, और फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग दोस्तों ऐसा कह रहते हैं जो प्रेजेंट पर फोकस नहीं करते हैं, बस वो केवल फ्यूचर में सोचते रहेंगे, भाई मेरी AIR बन आएगी, मेरी पेट में फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड रैंक आएगी, सोचते रहते हैं और वो उनका पूरा दिन निकल जाता है सोच सोच के, और फिर लास्ट में परिणाम निकलता है पूरा जीरो। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट में सोचना है तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बढ़िया शानदार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप फोटो में देख रहे होंगे पिक में कि ये फोटो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर की भाइट संगमरमर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार भव्य मंदिर है, जो कि दोस्तों आपका माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू अब कहाँ पड़ता है? आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर। देख रहे होंगे पीछे पर्वत है, सब पहाड़ वगैरह है, और ये आपका दिलवाड़ा मंदिर, ये आपका माउंट आबू है। माउंट आबू उदयपुर से लगभग 210 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि आपका राजस्थान में आता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों राजस्थान में आपका स्थित है, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, जो अर्थशास्त्र का जो लेखक था किसके समकालीन था, किस राजा के समकालीन था? तो
तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, हर बच्चा जानता है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वा बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेकर, जो कि चाणक्य थे, जिनकी नीतियाँ बहुत ही फेमस हैं अर्थशास्त्र की नीति, चाणक्य, ठीक है। इनका नाम विष्णुगुप्त था और ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री थे चाणक्य, ठीक है। और मौर्य वंश के प्रधानमंत्री थे आपके चाणक्य, और ऑप्शन नंबर बी आपका चंद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कितनी अच्छी बात की थी, ऐसी आसानी से करें अपने दुश्मन को परास्त, चाणक्य नीतियाँ हैं बहुत ही शानदार हैं, जो कि पूरे विश्वभर में फेमस हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। सूरत में आपके लिए ऐसी कंटेंट बनाता रहूँ।